करना है, मैं जेल जाऊंगा। अरे मुझे कौन जेल ले जाएगा, वो भी जीजा जी के होते हुए। अरे जीजा जी तो मेरे भगवान हैं। जीजा जी जिंदाबाद, जीजा जी जिंदाबाद। चुप रहो तुम। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो अपना ही नुकसान करूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अब मेरा मेकअप का सामान, गहने, साड़ियाँ सब बेकार होने से बच जाएगा। ये तो तुम्हारे रंजीत ने दिमाग खराब कर रखा है। कोई भी काम दो अच्छे से करके नहीं आएगा, बिगाड़ के ही आता है। कोई भी काम की उम्मीद उससे नहीं कर सकते, किसी काम को ढंग से नहीं करता। इतनी ही प्रॉब्लम है आपको रंजीत और मुझसे, तो भेज दीजिए ना हमें दिल्ली। यहां रहिए अपने इस घर में सुकून से, आराम से। भागना तो मुझे पड़ जाएगा, तुम लोग रहो यहां सुकून से। वैसे भी माधव के केस में मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। यादव भी कुछ कर नहीं पा रहा, हमें अपने आसपास बेवकूफ पाल रखे। मैं आपको बेवकूफ दिखती हूं, ऐसा सोचने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? अरे शीबा तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब नहीं था। मैं अच्छे से जानती हूँ आपके कहने का मतलब क्या है। अब आपको ना कुछ भी कहने और सुनने की जरूरत नहीं है, जो कहूंगी सुनूंगी मैं कहूंगी। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने जो किया है वो कम नहीं है। सोचा था चुनाव के बाद सब कुछ मेरे हाथों में होगा, लेकिन हुआ सब उल्टा। मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो जिंदगी जेल में बीतेगी। मेरे पति परमेश्वर, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जेल जाना भी होगा तो आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ जेल चलूंगी। अरे कभी तो अकल की बात कर लिया करो तुम। जगदीश राज इतना कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से हार मान जाए। पहली बार आपने अकल की बात की है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, किसान और चिड़िया वाली। उसमें भी किसान सबको भेजता है पेड़ काटने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं काटता। पेड़ तभी कटता है जब वो खुद जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अपने काम खुद करिए, जैसे मैं करती हूँ। अपने गहने और अपनी ज्वेलरी खुद खरीदती हूँ, खुद लाती हूँ। जब जब आपको बोला ना, कभी नहीं मिला मुझे कुछ। साथ रहते रहते कितने समझदार हो गए आप। जब सब काम मुझे खुद ही करना है तो बेवकूफों की फौज मैंने क्यों बना रखी है, कुछ समझ में नहीं आता। बेवकूफों की फौज मतलब मैं, रंजीत और डिम्पी बेवकूफ, और हमारे सरदार कौन है? बेगम चाय लीजिए। बेगम क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि दूसरों को कैसे परेशान किया जाए। क्या हुआ, किसने किसको परेशान किया? अरे वही हुकुम सिंह है ना, मॉल की जमीन की वजह से सबको परेशान करके रखा है। आज पंचायत ऑफिस में भी दामिनी से यही बहस हो गई। एक नंबर का दुष्ट है वो कभी किसी का भला ही नहीं चाहता है। एक अकेले ही उसने इस सारे गांव के लोगों को परेशान करके रखा। इनका जल्द ही कुछ नहीं किया गया ना, ये लोग गांव वालों के साथ बहुत ज्यादा मनमानी करना शुरू कर देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों से सभी को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आज पंचायत ऑफिस में भी वो दामिनी के साथ यही बहस कर रहा था। उसे किसी का डर नहीं है। बेगम देखना, ऐसे लोगों की मनमानी ज्यादा दिन नहीं चलती। अब उनके पाप का घड़ा फूटने वाला है ऊपर वाले की नजर से।
कभी कोई बच नहीं पाया। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि जल्द ही उस दुष्ट के पापों से सभी को छुटकारा मिल जाए। एक बार फिर से हमारे गंगापुर में खुशी और अमन की हवा बहने लगेगी। सभी किसान बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी नजर आए। देखना बेगम, तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल होगी और इस गांव में फिर से भाईचारा और अमन शांति रहेगा और गांव फिर से तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे हाँ बेगम, ये मुझे दीजिए। अरे आज खाना मैं बनाता हूँ, आप आराम कीजिए। काश हमारे गांव के सभी मर्द ऐसा सोचते, अपनी बीवी की घर के काम में मदद करते तो हमारी गांव की औरतें खूब तरक्की करती। अपने घर के काम के साथ साथ वो बाहर के भी काम कर सकती। अभी तक तुमने रंजीत को सही तरीके से जाना नहीं। तुम्हें जानने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं, और वैसे भी जाना पहचाना उसे जाता है जो किसी लायक हो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सरपंच महोदया जी, नमस्कार। तुम दोनों को देखकर मुझे हंसी आती है। गंगापुर का उद्धार करने का जो तुमने बीड़ा उठाया है ना, उसमें तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और हाँ दामिनी, भले ही तुमने सरपंच का चुनाव जीत लिया, पर गंगापुर में बादशाह तो मेरी ही रहेगी। मैं जो चाहे वो करूंगा। तुम क्या समझती हो कि मुझे चुनाव में हरा कर तुमने जग जीत लिया है? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे चक्करों में फंसाऊंगा कि तुम चक्कर खाते फिर गए। अभी तक तुमने रंजीत को सही तरीके से जाना नहीं। तुम्हें जानने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं, और वैसे भी जाना पहचाना उसे जाता है जो किसी लायक हो, और नलायकों को जानकर क्या करना। खैर, तुम्हें कुछ और कहना है या मैं कहूँ? अरे तुम क्या कहोगी, क्योंकि कहने और सुनने का वक्त रंजीत के पास नहीं होता। फिर भी तुम पर एहसान करते हुए तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो? रंजीत, तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जब गीदड़ की मौत आती है
तो वो शहर की ओर भागता है। और जब किसी सिर फिरे गुंडे की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है। और तुम दोनों जीजा साले के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। खैर, हमारे गांव में आकर हमारे भोले भाले किसान बहनों और भाइयों को बहला कर फुसला कर उन्हें उल्लू बना रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना रंजीत, तुम्हारा ये घटिया प्लान मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये गंगापुर है, यहाँ पे शांति की हवा बहती है। यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसी मार पड़ेगी कि कहीं भागने के लायक नहीं रहोगे। ये तो वक्त ही बताएगा सरपंच महोदया जी कि कौन भागेगा और कौन रहेगा। इन गांव वालों के भरोसे जो तुम इतना कूद रही हो ना, कि तुम्हें बचाने तक नहीं आएंगे। जिस दिन तलवार उठेगी मैदान साफ करके ही रहेगी। कहीं वो तलवार तुम्हारे ऊपर ही ना चल जाए रंजीत बाबू। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों पर तलवार उठाता है क्रांत जी तलवार से। और हाँ, यदि तुम्हारे पास घमंड की तलवार है ना, तो हमारे पास जनता की विश्वास और सहानुभूति की तलवार है। वो जनता जो पल भर में तुम्हारे किले की ऊंची दीवारों को ढाकर खंडहर बना देगी। और ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, सिर्फ तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं, मर्दों का। और तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का है। तो वैसे भी हम दोनों तुमसे बातें करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते। जहां जा रहे हो वहां जाओ। और गंगापुर की जनता ने फैसला कर लिया है कि उन्हें विकास करने वाली सरपंच कामनी चाहिए, न कि विनाश करने वाला रंजीत राज। और गंगापुर की जनता की आवाज गंगापुर में सिर्फ यही गूंजेगी, सरपंच दामनी सा है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हारा ये घमंड बहुत जल्दी टूटेगा अजय बाबू। तुम अपनी फिक्र करो रंजीत, तुम जिसे घमंड समझने की भूल कर रहे हो ना, ये मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है और गंगापुर की जनता का प्यार है। अजय, समझाया उसे जाता है जो कुछ समझने के लायक हो, और ऐसे लोगों को समझाने का क्या फायदा। लेकिन रंजीत, एक बात कान खोलकर सुन लो, गंगापुर की हवा बदल गई है। यहाँ शांति और विकास की हवा बह रही है। अगर यहाँ की हवा का रुख बदलने की कोशिश करोगे ना, तो तिनके की तरह उड़ जाओ। You got it? दोनों को देख लूंगा, जिस काम से जा रहा हूं बस एक बार वो हो जाए, फिर तुम्हारा भी हिसाब करता हूं। रंजीत से भिड़ने की बहुत बड़ी गलती कर रही थी।
अगर मेरी बात नहीं मानी तो भीख मांगने लायक भी नहीं रह जाओगे। जिस पर रंजीत का कहर टूटता है ना, वो खाक में मिल जाता है। राय देने आए हो? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या सोच रही हो? इस दुनिया में इंसान पैसों का कितना भूखा है, किसका पाए किसका हड़प ले। क्या हो गया? वो अपने गांव की विमला है ना, उससे बीज वाले ने दोगुने पैसे ले लिए। जरा भी डर नहीं है इन पापियों को भगवान का। इस कानून के डंडे से मैं डर नहीं लगता, भगवान भी माफ कर देता है, सुधरने का मौका देता है। नमस्कार माधव भाई। नमस्कार भाभी। आप शायद हमें नहीं जानते हो। वो लोग कहते हैं कि वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके दरवाजे पर रंजीत खुद चलकर आता है। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पहले बैठिए। बस कुछ बात करना चाहते हैं। हम खुश हुए और इसी खुशी में एक राय देना चाहते हैं। क्या है माधव भाई, बात को बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये टकराने से लड़ जाने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। क्या है, तुम्हारी जो जमीन है हमारे जीजा जी को चाहिए मॉल बनाने के लिए। इसके लिए भरपूर पैसा दे रहे हैं तुम्हें। अरे छोटे से जमीन को क्यों पकड़ कर बैठे हो? कैसे कटेगी तुम्हारी जिंदगी? हमें दे दो, हमारा भला हो जाएगा। क्या रखा है तुम्हारी छोटी सी जमीन में? कभी सोचे हो
तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, अच्छी जिंदगी, और हाँ माधव, उम्मीद से बढ़कर पैसे मिलेंगे तुम्हें। उससे कोई अच्छा धंधा पानी कर लो, बिजनेस। रणजीत बाबू, हर एक किसान अगर यही सोचेगा तो अनाज कैसे पैदा करेगा, रोटी कैसे खाओगे, फिर से अमेरिका से गेहूं मंगवाओगे? खेती हमारा धंधा नहीं है। हम खेत पे जाने से पहले, काम करने से पहले उसको पूछते हैं, धरती हमारी माँ है। धरती, यही तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम लोग दिल से सोचते हो, दिमाग से सोचो, ये सोचो कि इन पैसों से तुम्हारा कितना भला होगा। हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं माधव भाई। जो काम हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया, वो काम हम क्यों करने जाएं? और बिजनेस करने के लिए उसकी जानकारी भी जरूरी होती है। भाभी जी, आजकल सारी जानकारी मोबाइल, इंटरनेट सब पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर जानकारी ले सकती हैं। अनजान विद्या प्राण घातक। रणजीत बाबू, जिस गली में हमें जाना नहीं है उसका पता पूछ के क्या फायदा? अरे माधव भाई, अगर यही सब लोग सोच लेते तो वास्को डिगामा भारत की खोज करने क्यों आता? क्यों कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और ये मार्को पोलो? रणजीत बाबू, बस, हम किसान हैं। माधव नाम है, माधव ही रहने दो। हम तो बस इस गांव में अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, हमें बस ऐसे ही रहने दीजिए। भाभी जी, जरा आप ही इन्हें समझाइए, क्यों जिद कर रहे हैं? माधव भाई, वो कहावत तो सुनी होगी ना कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बैठी पगुराए। अरे मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। पैसा आएगा तो सोचो तुम्हारा चंदू पढ़ लिख कर कितना बड़ा आदमी बन जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। और तुम्हारा जो ये छोटा सा घर है, सोचो कितना बड़ा बन जाएगा। लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। माधव भाई, हमारी तो ये राय है कि अपनी जमीन हमें दे दो और बदले में पैसे ले लो। अरे बिजनेस करो। रणजीत बाबू, अपनी राय तो तभी देना चाहिए ना जब राय आपसे कोई मांगे। क्यों जबरदस्ती बिजनेस करवाने पे तुले हुए? तो तुम नहीं मानोगे, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो माधव। अगर मेरी बात नहीं मानी तो भीख मांगने लायक भी नहीं रह जाओगे। जिस पर रंजीत का कहर टूटता है ना, वो खाक में मिल जाता है। राय देने आए हो या धमकाने आए हो? ये तो तुम पर निर्भर करता है माधव। राय देने से मान गए तो अच्छा है, वरना रंजीत वो सब कुछ करेगा जिसके लिए वो जाना चाहता है। ऊपर वाले से तो डरो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। क्यों किसी गरीब को सता रहे हो? कबीर बाबा भी कह गए हैं, मरी हुई खाल की सांस से लोहा भी भस्म हो जाता है। अरे भाभी जी, तो समझाइए ना अपने पति परमेश्वर को, क्यों भस्म होने की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन गंगापुर गांव के बारे में मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के किसान बहुत खुशहाल है, तो सोचा अब से मिलकर इनकी खुशहाली का कारण जान सकूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव। जब कानून का डंडा पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। और जगदीश राज को ये लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो कानून को खरीद लेगा, यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। प्रथम दिमागी सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी।
इससे पैदा कर।